लॉकडाउन में 31 मई तक जारी रहने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 18 मई द्वारा दिशा निर्देशों को प्रदेश के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश 19 मई द्वारा स्थानीय स्तर पर दुकानदारों प्रतिष्ठानों के खोलने संचालित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने उसी क्रम में पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद के दुकानों प्रतिष्ठानों को अग्रिम आदेशों तक खोलने संचालित करने की अनुमति प्रदान की है, जिसके क्रम में स्टेशनरी के लिए निर्धारित दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 से साय 6 बजे तक कृषि यंत्र उपकरण कृषि उपज हेतु कीटनाशक दवा बीज भंडार उर्वरक सोमवार से शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे से 6 बजे तक दुकान खोलने का समय निर्धारित किया गया है। सीमेंट बालू मोरंग मिट्टी सरिया निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर फर्नीचर पेंट हेतु निर्धारित दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक ऑटोमोबाइल पार्ट्स शॉप मोटर रिपेयर वर्कशॉप किंतु रोड पर गाड़ी नहीं खड़ी नहीं होगी रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक बैटरी टायर ट्यूब शॉप किंतु रोड पर गाड़ी खड़ी नहीं होगी मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 6 बजे तक चश्मा मोबाइल शॉप पार्ट मरम्मत मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पार्ट मरम्मत हेतु निर्धारित दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार समय पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पार्ट मरम्मत बर्तन गैस चूल्हा विक्रय मरम्मत सोमवार बुधवार शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक प्रिंटिंग प्रेस रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक ड्राई क्लीनर्स मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक रेडीमेड गारमेंट शॉप मॉल को छोड़कर सोमवार बुधवार शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक खोलने की अनुमति है। इसी प्रकार कपड़ा साड़ी कटिंग क्लॉथ शॉप हेतु निर्धारित दिन मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार समय पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक आभूषण ज्वेलरी शॉप सोमवार बुधवार शुक्रवार पूर्वाह्न 10 बजे से साय 5 बजे तक जूता चप्पल एवं बैग सोमवार बुधवार शुक्रवार पूर्वाह्न 10 बजे से साय 5 बजे तक फोटो स्टूडियो कलर लैब फोटो कॉपियर्स ऑनलाइन सेंटर मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे से साय 5 बजे तक स्पोर्ट्स शॉप दर्जी टेलरिंग रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से साय 6 बजे तक श्रृंगार कॉस्मेटिक विशाता गिफ्ट आइटम मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक साइकिल घड़ी सोमवार बुधवार शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे से साय 5 बजे तक सजावट गद्दा चादर हैंडलूम मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे से साय 6 बजे तक मछली मीट अंडा दूध दवा राशन कोरियर पार्सल मिठाई की दुकानें बेकरी आइसक्रीम होम डिलीवरी प्रतिदिन पूर्वाह्न 7 बजे से साय 6 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपरोक्त दुकानें प्रतिष्ठान निर्धारित समयावधि के अनुसार खोलने की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन फेस कवर फेस मास्क ग्लव्स का प्रयोग करना होगा एवं दुकानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। दुकान के सामने अंदर एक साथ एक समय में अधिकतम 5 से अधिक ग्राहकों को खड़ा प्रवेश नहीं कराया जाएगा और उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग हेतु कम से कम 2 गज की दूरी होगी। हाथ धोने सैनिटाइजर व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए व्यवस्था की जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देश दिया कि दुकान को दिन में कई बार सैनिटाइज सफाई सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1% घोल ब्लीचिंग पाउडर के 3% घोल से कराया जाए। दुकानदार दुकान के क्रमिक ग्राहकों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। दुकानदार प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा बुखार सर्दी खांसी के लक्षण वाले ग्राहक क्रमिकों प्रवेश निषिद्ध किया जाएगा। बड़ी दुकानों प्रतिष्ठान जिसमें 30 से अधिक क्रमिक कार्य करते हो ऐसे प्रतिष्ठान को
50% क्रमिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा, अर्थात अधिकतम एक साथ 15 से अधिक क्रमिक कार्य नहीं करेंगे। बड़ी दुकानें प्रतिष्ठान पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग का अनिवार्य होगा। सभी होम डिलीवरी सेवाएं निर्धारित समय अंतर्गत ही संचालित होगी। डिलीवरीकर्ता को मास्क, फेस कवर, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह विशेष निर्देश दिया है कि 7:30 बजे से 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर निषिद्ध रहेगा। कंटेनमेंट बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं में के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दिशा निर्देश के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा CRPC की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।